हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्मार्ट सिक्योरिटी विजन पर। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका हिकविजन का डेवियर है उसमें हम मेल के द्वारा पासवर्ड को कैसे रिसेट करते हैं। तो उसमें सबसे पहले आपने जब सीसीटीवी को इंस्टॉल कराया उस टाइम आपने मेल डाला था या नहीं डाला था। यदि आपने मेल डाला है तो उसमें बिल्कुल आपका पासवर्ड रिसेट करना बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। उसमें आप ना किसी को मेल करने की जरूरत है ना और कुछ करने की जरूरत रहेगा इसमें। तो दूसरा, इसमें आपको एक एप्लीकेशन का जरूरत पड़ेगा, वो है आपका हिकनेट ऐप, उससे आपका पासवर्ड रिसेट होगा। तो आपको जो डीवीआर में सेटिंग वो कैसे करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर फॉरगेट माय पैटर्न, इस पर आपको क्लिक करना है। फॉरगेट माय पासवर्ड पर पैटर्न पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा फॉरगेट पासवर्ड, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर टिक रहने देना है और आपको ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक क्यूआर कोड दिया गया होगा, तो इसमें आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऐप वेरिफिकेशन मोड है, यहाँ पर आपको यहाँ पर ऐप स्कैन क्या और कोड है, तो ये आपको एप्लीकेशन के लिए इंस्टॉल करने के लिए है आपका। इसको यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट क्या और पर आपको क्लिक करना है। इस एक्सपोर्ट क्या और पर क्लिक करने के बाद आपको जो एक ये कोड दिया गया है इसको आपको जो हिकनेक्ट एप्लीकेशन है उसमें आपको स्कैन करना होगा। तो वो कैसे कर रहे हैं मैं आपको मोबाइल फोन पर आपको जाके दिखाता हूँ कैसे करना है आपको। तो सबसे पहले आपसे गुजारिश है, आपने हमारा यूट्यूब चैनल स्मार्ट सिक्योरिटी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, तो चलते हैं अपने मोबाइल से बोलकर आपको दिखाते कैसे करना आपको। तो दोस्तों, हम आज के अपने मोबाइल फोन के ऊपर सबसे पहले आपको जो आपका एप्लीकेशन है उसको आपको इंस्टॉल करना होगा, हिकनेट एप्लीकेशन को। वो कैसे करना है वो हमने उसके बारे में वीडियो आपको बनाया है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको कैसे इंस्टॉल करना है। तो मैं हिकनेट एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको नीचे मोर का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको मोर के ऑप्शन का आपको क्लिक करना है। मोर के ऑप्शन क्लिक करने के बाद आपको रीसेट डिवाइस पासवर्ड, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्यूआर कोड स्कैन के लिए बोलेगा, तो आपका जो क्यूआर कोड उसको आपको स्कैन करना है। तो मैं आप स्कैन कर लेता हूँ। स्कैन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, यू रिक्वेस्ट रीसेटिंग डिवाइस पासवर्ड, सेंड द सर्वर एंड सिक्योरिटी कोड, वेरिफिकेशन कोड विल बी सेंड टू योर रजिस्टर्ड मेल आईडी, यानी आपकी जो रजिस्टर्ड मेल आईडी है उस पर आपको सेंड कर देगा जो वेरिफिकेशन कोड, जो आपको आपने मेल आईडी डाला था। तो हम देखते हैं हमें जो मेल आईडी पर जो रिसेट का जो ऑप्शन आया वो अभी कितने दिन में कितने टाइम में आएगा। तो मैक्सिमम डीवीआर में लिखा हुआ है कि योर विल रिसीव ए वेरिफिकेशन कोड विद इन 5 मिनट रिसीव ए मेल, तो आपकी जो मेल पर वो 5 मिनट में आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो मैं आपको वेरिफिकेशन कोड है वो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको कैसे मिलता है। तो हमारा जो मेल है वो अभी तक आया नहीं होगा, तो मेल आने के बाद आपको दिखाता हूँ कि आपको कैसे करना होगा आगे का प्रोसेस। तो फिलहाल जो हमारी मेल है वो यहाँ पर अभी आ चुकी है, तो मैं आपको मेल लिखाता हूँ। तो जैसे मैं मेल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं डब्लू रिकवरी पासवर्ड रिसेट सक्सेसफुल, ये हमारे पास मेल अभी आ चुका है यहाँ पर। तो मैं जैसे यहाँ पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्या शो होगा अभी, तो मैं यहाँ पर शो टेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो हमारे यहाँ पर अभी एक जो वेरिफिकेशन कोड है वो यहाँ पर दिया है, तो आपको नीचे दिखाई दे रहा है ये ऑप्शन, आपको ये वाला वेरिफिकेशन कोड आपको यहाँ पर दिया है। ये कोड आपको कहाँ डाला हूँ आपको बताता हूँ। चल तो चलते हैं अपने डीवीआर के ऊपर, आपको बताते हैं कि कैसे आपको यहाँ पर कैसे डालना होगा, कहाँ पर डालना है। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर से अपनी स्क्रीन के ऊपर, आपको दिखाते हैं कैसे आपको डालना है। तो मैं यहाँ पर चलता हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो मैं आ चला हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो आपका कोड है वो यहाँ पर आपको डालना होगा, तो मैं कोड है आपको यहाँ पर डाल देता हूँ। तो यहाँ पर आपको थर्ड नंबर पर दिखाई दे रहा होगा इंटर वेरिफिकेशन कोड आपको यहाँ पर डालना है, तो मैं यहाँ पर जो कोड है वो मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ। कोड डालने के बाद आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करते ही आपका जो पासवर्ड यहाँ पर रिसेट हो जाएगा, तो आपको दोबारा से न्यू पासवर्ड यहाँ पर बनाना है। तो मैं यहाँ पर पासवर्ड एक बार डाल लेता हूँ। आपको यहाँ पर दोबारा से कन्फर्म पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना होगा, तो कन्फर्म पासवर्ड मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। कन्फर्म पासवर्ड डालने के बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। पासवर्ड मैच फेल, यानी आपका जो पासवर्ड यहाँ पर मैच नहीं हो रहा, तो मैं दोबारा से एक बार पासवर्ड को चेक कर लेता हूँ। प्रॉपरली पासवर्ड डालने के बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करते हैं आपका जो पासवर्ड रिसेट, आपका जो पासवर्ड यहाँ पर रिसेट हो सका। तो मैं दोबारा से यहाँ पर पासवर्ड को लॉगिन करके दिखाता हूँ आपका पासवर्ड फॉरगेट हुआ या नहीं हुआ।
मैं यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं अभी जब जो पासवर्ड है वो यहाँ पर जो हमारा रीसेट हो चुका है। तो यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।